हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी वेबसाइट को आप ब्लॉग में, किसी भी ब्लॉगर वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट हो तो उसे आप ऐप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा एक ब्लॉगर का वेबसाइट है, इसे हम ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये रहा हमारा ब्लॉगर का वेबसाइट, आप यहाँ से देख सकते हैं, deepcrazycoder.blogspot.com हमारा ये ऐप, हमारा वेबसाइट है। अगर आप इसे कस्टमाइज करके देखना चाहते हैं, यहाँ से देखिए फ्लिपकार्ट पे अगर मैंने क्लिक किया तो हमारा ऐसे कुछ शो होगा। फिर साइड बार करते हैं तो यहाँ पे इसे बारी बारी से आप रीड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है ये, यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कैसे इसे बनाएंगे, आप इसके लिए कई सारी वीडियोज हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये ऐसे इसका लेआउट ऐसे शो होगा। अगर इसका फ्लिपकार्ट करते हैं तो ऐसे शो होगा। यहाँ पे आपको बताते हैं, ये हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है और इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। आप इसे ऐसे डेकोरेटिव कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ से डेट देख सकते हैं, इसके अथर देख सकते हैं, जो भी है इसका, ऐसे आप इसे देख सकते हैं और यहाँ से रीड कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको रीड करना हो तो यहाँ से बारी बारी से आप रीड कर सकते हैं। और इसके बाद से यहाँ से अगर आपको इसको, इसका लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जो कुछ भी लैंग्वेज में अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ है। और इसको अब हम एक वेबसाइट, ये जो हमारा वेबसाइट है ब्लॉगर का वेबसाइट, इसे हम ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड को ओपन करते हैं और इसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से इम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद से यहाँ से 15 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसका जो नेम है इसे हम लिखते हैं दीपू ब्लॉग। और इसके बाद से यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। इतना क्लिक हो जाने के बाद हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड होके आ जाएगा। इसे अभी हम मिनिमाइज कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा अभी। इसका स्टेप बाय स्टेप हम आपको कोडिंग करके बताएंगे कि इसे कैसे डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से अभी मेन एक्टिविटीज है, आरईएस में जाएंगे। फिर पहले हम इसका लेआउट सेट कर देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ से लीनियर लेआउट सेलेक्ट करना है। इसे लीनियर लेआउट सेलेक्ट कर देते हैं और इसके बाद से हमें यहाँ से देखिए यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से वेव व्यू टाइप करना है। यहाँ से इसका जो डबूरा था कैप्टन कर देना और यहाँ से इसका फिल पैरेंट करना है। और नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। और यहाँ पे भी हमें इसे फिल पैरेंट ही करना है। इतना होने के बाद हम भी इसका लेआउट अभी सेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लिखते हैं इसका आईडी और आईडी जो रहेगा हम यहाँ से इसका आईडी जो रहेगा वेब व्यू दे देंगे। और इसके बाद से हमें इसका अलाइनमेंट चेंज सेट करना है। एंड्रॉयड लिखते हैं यहाँ से
यहाँ से भी नहीं आ रहा हमारा, यहाँ से पूरा पूरा टाइप कर दे करना पड़ेगा। अलाइन पैरेंट और यहाँ से हमें राइट करना है। इतना होने के बाद इसे हम थ्रो करना है और इसके बाद से यहाँ से इसे अलाइन टॉप करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हम क्लोज कर देंगे। हमारा जो एक्जीमेल का है ये हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए कुछ इस टाइप का हमारा शो हो रहा है डेकोरेटिव में, आप देख सकते हैं इसको कैसे डेकोरेटिव में शो हो रहा है, कुछ इस टाइप का शो होगा। इतना हो जाने के बाद अब हम मेन एक्टिविटी में आएंगे और मेन एक्टिविटी में आने से पहले हम इसका इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं। इसे इंटरनेट का एक्सेस कैसे देते हैं, इंटरनेट परमिशन देने के लिए हम यहाँ से लिखते हैं यूजर यूजर परमिशन और यहाँ से एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट। और इसके बाद से हम इसे क्लोज कर देते हैं। ये हमने इंटरनेट का परमिशन दे दिया है, इंटरनेट के परमिशन से ही ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन करता है, क्योंकि ये ब्लॉगर साइड है और वेबसाइट है, वेबसाइट जो हमारा वो नेट के कनेक्शन से ही ओपन होगा। और इसके बाद से हम एक्टिविटी मेन में आते हैं और यहाँ से हमें टाइप करना है प्राइवेट वेब व्यू। और इसके बाद से हम यहाँ से नीचे आते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देने के बाद यहाँ से हम टाइप करते हैं माई वेब व्यू इक्वल्स टू वेब व्यू। यहाँ से हमने माय रिव्यू जो लिखा है कैपिटल कर देते हैं। और इसके बाद से नीचे वाले पे आते हैं, यहाँ से माई वेब व्यू टाइप करते हैं स्टू कैपिटल आर।
यहाँ से वेव स्ट्रीम, वेव सेटिंग, अभी हम ऐसे लिखते रहते हैं, जो भी एरर्स आएगा हम इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से माय वेव व्यू और डॉट गेट सेटिंग, डबल हो गया, इसे हम रिमूव करते हैं अभी। और इंटर कर दीजिए। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और यहाँ से हम टाइप करना है हमें वेब सेटिंग डॉट सेट स्क्रिप्ट इनेबल, और यहाँ से मैं टाइप करता है ट्रू, इसे आप इनेबल कर देंगे। और इसके बाद से वेब व्यू डॉट नोट URL, और आपके जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का URL हमें दे देना है, तो ये हम इसे देते हैं, पहले हम इसे टाइप कर देते हैं। सेट वेब व्यू क्लाइंट, और यहाँ से हमें क्लाइंट कर देना है। इतना होने के बाद यहाँ से हमें बैक टेस्ट करना है, और अभी हम इसे सिंपली रिमूव कर देते हैं। इसे रिमूव करने के बाद यहाँ से हमें इसका कंडीशन देना होगा, और यहाँ से डॉट कैन गो बैक, देन नेक्स्ट स्टेप्स, गो बैक। अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे बैक हो जाएगा, और यहाँ से इसका एल्स कंडीशन भी देना है हमें। अगर इसका कंडीशन फॉल्स होगा सुपर डॉट ऑन बैक टेस्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एरर क्यों आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हमने देखिए अपना हमने यहाँ पे आईडी नहीं दिया है सही से, अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद से इसे
हमने इसे डबल वर्क कर दिया, इसे कोई बात नहीं, इसे कमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद से यहाँ से हमें अभी URL देना है, हमारे जो सोर्स कोड है यहाँ से हमारा जो वेबसाइट है इसका हमें URL टाइप करना है। तो अभी हम इसे सिंपली URL इसका टाइप कर देते हैं। जो भी आपका वेबसाइट है उसे आप, जो भी वेबसाइट का जो URL है यहाँ पे हमें देना होता है। देखिए हमने यहाँ पे दे दिया, और इस तरह से हमारा जो ऐप है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हम सिंपली रन करा के देखते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। और इस तरह से हमारा जो ऐप है वो प्रॉपर वर्क करने लगेगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके बाद से अगर इसका ऐप, इसमें कोई भी अगर आप ऐड शो कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मूव का आईडी से आप कैसे एड्स उसमें लगा सकते हैं और कैसे इसे पब्लिश करेंगे अपने प्ले स्टोर पे। हमने ऑलरेडी इसे पब्लिश कर दिया है, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये रहा हमारा ऐप दीपू ब्लॉग नाम से हमने पब्लिश किया था, और फिर ये रहा हमने इसे पब्लिश कर दिया था। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद से इसको हम आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में कि ये कैसे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप को, अपने किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर लेंगे। आप इसे मोबाइल फ़ोन में आप इसे देख लेंगे, और इसके बाद से अगर इसे कैसे डेकोरेट करना है कि इसका, हम इसको भी चेंज कर देते हैं, इसका नेम भी आप चेंज कर देंगे। यहाँ से हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, यहाँ से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी नेम देना चाहते हैं तो नेम चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप यहाँ से नेम दे देंगे। यहाँ से नेम आप दे सकते हैं, और इसके बाद से इसका जो भी लोगो है कैसे लोगो चेंज करेंगे ये भी हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप इसका लोगो चेंज करेंगे। यहाँ से मीप मैप में जाते हैं, और इसमें यहाँ जाने के बाद हम आपको इसका चेंज करके बता देते हैं कैसे चेंज करेंगे। यहाँ से एसेट्स वेक्टर में जाएंगे, और इसके बाद से यहाँ से जाते हैं जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है अपने को। फिर यहाँ से हमने अपने डेस्कटॉप पे रखा है, तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद इसका लोगो चेंज कर सकते हैं। इसका जो साइज है 512 एंड 512 होनी चाहिए इसकी हाइट और वेथ। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, और इस तरह से इसका जो भी कम या ज़्यादा हो, जैसे भी हो, आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, जितनी भी साइज आप लेना चाहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और इस तरह से यहाँ से फिनिश कर देंगे, और इसके बाद से इसका लोगो चेंज हो जाएगा। और यहाँ से बिल्ड करके, यहाँ से बिल्ड कर देंगे आप, बिल्ड एपीके करेंगे, और एपीके करने के बाद इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में ले लेंगे, और इसे आप अपने फ़ोन में रन करा के देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऐप है वो पब्लिश हम कर देंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।